कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार है महोदय, कि बादल पत्रलेख जैसा व्यक्ति को हटा करके इरफान अंसारी जैसे व्यक्ति का एंट्री बताता है कि बांग्लादेशी का इस सरकार में क्या पैठ रखता है, यह बताने के लिए काफी है। सोते जागते उठते बैठते दिन रात बांग्लादेश का राग अलाप रहे, बांग्लादेश बांग्लादेश, इनका झारखंड में काम नहीं है, इनका आदिवासी मूलवासी से कोई लेना देना नहीं है, इनको बांग्लादेश भेज दिया जाए, वहां ये राजनीति में फिट बैठेंगे। और ये आदिवासी मूलवासी की है सरकार महोदय, और इसलिए अभी हमारे माननीय विधायक बोल रहे थे कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार है महोदय, कि बादल पत्रलेख जैसा व्यक्ति को हटा करके इरफान अंसारी जैसे व्यक्ति का एंट्री बताता है कि बांग्लादेशी का इस सरकार में क्या पैठ रखता है, यह बताने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी, बताने के लिए काफी है कि क्या पकड़ है, क्या पकड़ है मुस्लिमों का, क्या पकड़ है मुस्लिमों का, कैसी तुष्टिकरण की सरकार है। एक बोलिए, क्या बोल रहे थे माननीय मंत्री जी? अभी तो शुरू में किए थे इन लोग। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था अध्यक्ष महोदय, कि माननीय जो विपक्ष के सदस्य है, सोते जागते उठते बैठते दिन रात बांग्लादेश का राग अलाप रहे, बांग्लादेश बांग्लादेश, इनका झारखंड में काम नहीं है, इनका आदिवासी मूलवासी से कोई लेना देना नहीं है, इनको बांग्लादेश भेज दिया जाए, वहां ये राजनीति में फिट बैठेंगे। और दूसरी बात कि ये कभी इस पक्ष में आने वाले नहीं है, अब कम से कम 25 साल यहाँ के आदिवासी मूलवासी उनको वहीं बैठाएंगे और उनकी संख्या और देखिएगा दहाई भी पार नहीं करने देगी आदिवासी मूलवासी अध्यक्ष महोदय, दहाई भी पार नहीं। और भानु जी इस सदन में अगली बार नहीं दिखेंगे, ये मैं वक्तव्य दे रहा हूँ सदन में अध्यक्ष महोदय, आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले और हमारी सरकार कैसे चल रही है, कैसे अपना बात कर, हमारा समय अध्यक्ष महोदय नम्र निवेदन है, हमारा समय जोड़ लीजिएगा महोदय, जो अच्छा महोदय दो इसलिए बोल रहा हूँ, राय आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ महोदय, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बेतुका बात सदन में नहीं बोलूंगा जिससे कि सदन का समय जाया हो और बेतुका बात बोल करके समाज में अपना हम लोगों को भी किरकिरी नहीं कराना है महोदय। 1932 का खतियान लागू करेंगे, मूलवासी आदिवासी को नौकरी देंगे, ये हमारी घोषणा के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा कितनी प्रबल रही है महोदय, जब टी शर्ट पहन करके आप भी आते थे महोदय, याद होगा, जगन्नाथ दा दुनिया में नहीं है, वो आते थे महोदय, याद होगा, मथुरा दा बैठे हो, टी शर्ट पहन करके जब आते थे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल हो गए आपके सरकार के, कहां है 1932 का खतियान, कहां है आपका 1932 का खतियान, जवाब दीजिए, झारखंड का युवा पूछना चाहता है, झारखंड का मूलवासी पूछना चाहता है, झारखंड का आदिवासी पूछना चाहता है, कहां है 1932 का खतियान आपका, आपने बहाली किया महोदय, प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, प्रमाण है, आपने बहाली किया नगर विकास विभाग में 28 लोगों, इसमें 17 लोग महोदय, 17 लोग दिल्ली बंगाल तेलंगाना हरियाणा आसाम मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश से आ गए, हमारे युवाओं के नौकरी को छीनने का आपने काम किया, और आप आदिवासी मूलवासी की बात करते थे, हम लोग भी मूलवासी है महोदय, दर्द है सीने में, तब यह बात जुबान के माध्यम से निकल रहा है महोदय, दर्द है सीने में एक एक मूलवासी के, एक एक आदिवासी के, कि हमने ऐसे सरकार को बैठाया जो सरकार आदिवासी मूलवासी के सीने में छुरा घोपने का काम किया, पीठ में छुरा घोपने का काम किया महोदय, महोदय बाद में दे दीजिएगा ना दादा, बाद में एक बार दे दीजिएगा सुन ले, ये आदिवासी मूलवासी की सरकार है महोदय, स्थानीय नीति कहां चला गया नहीं पता, नियोजन नीति कहां चला गया नहीं पता महोदय, महोदय अभी सुबह सुबह आज हम मोहराबादी मैदान में घूमने गए थे महोदय,
बहुत बड़ा टेंट लग रहा था। मैं पता किया कि टेंट क्यों लग रहा है, तो किसी ने बताया और एक लड़का दौड़ते हुए आया और मेरे हाथों में यह पेपर दे करके गया महोदय, जिसमें लिखा हुआ था सरकार बनी तो साल में 5 लाख नौकरी देंगे और नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे, यह पेपर देने का काम किया। वह जो टेंट लग रहा था, मुझे लग रहा है हमारे मुख्यमंत्री अब संन्यास लेने जाने वाले हैं महोदय, इसलिए मोहराबादी में इतना बड़ा टेंट लगा। मैंने वहीं से कल्पना भाभी को फोन लगाया और पूछा, क्या भाभी ऐसा होने वाला है क्या भैया, संन्यास उन्यास लेने वाले हैं? कल्पना भाभी ने कहा, नहीं भैया, इसे कौन बोल दिया, हमारे रहते हेमंत दादा संन्यास ले लेंगे, हम लोग झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे और तब तक झूठ बोलेंगे जब तक झारखंड का एक एक युवा को ठग नहीं लेते, तब तक झूठ बोलेंगे, इसलिए हमने सरकार बनाने का काम किया है। अच्छा, केंद्र शासित राज्य होने जा रहा है, केंद्र शासित राज्य होने जा रहा है, पार्लियामेंट का न्यूज आप लोगों ने सुन लिया और फिर आप लोग काहे काउंटर करते हैं, बोलने दीजिए भाषण, बोलने दीजिए, बोलिए। आप ऐसे नहीं बोलिए महोदय, आप आसन पर बैठ के ऐसा नहीं बोलिए, पार्लियामेंट हम हमारा बात नहीं है, वो पार्लियामेंट हम वहाँ का बात कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति का न्यूज है, हाँ व्यक्ति का खबर है, वो पार्टी का खबर नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं महोदय, आप आसन पर बैठ के इतनी हल्की बात नहीं कर सकते महोदय। अच्छा, हम असत्य बात बोले क्या महोदय? अच्छा वीरेंद्र जी, असत्य बात बोले, हम पेपर में पढ़े, अखबार में पढ़े, अखबार में पढ़े तो डर हो गया कि कहीं हमारा राज्य भी केंद्र शासित होने जा रहा है, इसीलिए बोले। बोलिए भानु जी, भानु जी बोलिए, भानु जी चलिए, भानु जी बोलिए महोदय, महोदय। अच्छा आप छोड़, आप बोलने दीजिए, भानु जी को बोलने दीजिए, ये आज हमको समझ ये युवा को ठग करके आई हुई सरकार, सरकार का उत्तर है, नौजवानों को ठग करके आई हुई सरकार, नियुक्ति वर्ष 2021, खटाखट बहाली, डन लोड है, फटाफट निकलेगा नौकरी और फटाफट नौकरी से लेकर के सटासट रुपया तक आज तक नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि नौजवानों के भावनाओं से खेलने का काम किया, एग्जाम कंडक्ट कराए महोदय, लेकिन एग्जाम या तो रद्द कर दिए गए या तो पेपर लीक कर दिए गए, जिससे झारखंड के करोड़ों युवाओं के अरमान को आंसू में बदलने का काम आपने किया महोदय, या तो पेपर लीक कराया आपने या तो एग्जाम को रद्द कर दिया। बार बार चंपई दादा बोलते थे 1 महीना में 40,000, हेमंत दादा आए तो उसको घटा करके 30,000 कर दिए, ये बराबर आंकड़ा का खेल इन लोगों के द्वारा करके यहाँ के लोगों को बराबर लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का और यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया, यह है हमारी आदिवासी मूलवासी की सरकार महोदय। महोदय अभी कल्पना भाभी बोल रही थी, अनुबंध कर्मी, सहिया, सेविका और पता नहीं क्या क्या सबका नाम ले रहे थे, आंगनबाड़ी महोदय, ये है हमारे मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र, अनुबंध कर्मियों को अधिकार जो भी है इसको अस्थाई किया जाएगा, 60 साल तक नियमित किया जाएगा महोदय, और इनके ट्विटर, जब ये नेता प्रतिपक्ष थे उसका निकाला हुआ, मैं चाहूंगा ये प्रोसीडिंग का पार्ट बने महोदय, मैं पढ़ करके सुना देना चाहता हूं, मेरा संकल्प है अनुबंध कर्मियों को दूंगा उसका अधिकार, मैं झारखंड के अनुबंध कर्मी शब्द को हटा दूंगा, मेरी सरकार हर एक झारखंडी का सम्मान अपने जीवन में करेगी, हेमंत सोरेन जी का ट्वीट है 21 अक्टूबर 2019 का महोदय, 19 दिसंबर 2019 का ट्वीट है, हर अनुबंध कर्मी को उसका पूरा हक देंगे, ये इन्हीं का ट्वीट है महोदय, इन्हीं का ट्वीट है महोदय, ये 21 अक्टूबर 2019 का, भाजपा देश के अनुबंध कर्मी व्यवस्था लेकर आई तभी से
उसने जता दिया था कि लोगों के आशाओं आकांक्षाओं उनके सपनों उनके दिल में कितनी जगह है, लोग उसके सिर्फ खिलौना मात्र थे और रहेंगे। 5 लाख अनुबंध कर्मियों को, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, होमगार्ड, रसोईया, जलसहिया, मनरेगा कर्मी, कृषक मित्र, ई मैनेजर आदि को दमनकारी रघुवर सरकार ने प्रताड़ित किया, वह झारखंड के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं झारखंडी बेटा अनुबंध कर्मियों को उनका हक उनका अधिकार जरूर दूंगा। सरकार बनते ही अनुबंध कर्मियों को नौकरी की व्यवस्था 7 साल तक के लिए किया जाएगा। अनुबंध कर्मी हटा दिया जाएगा, उनका मानदेय उनका वेतन मान फिक्स किया जाएगा। ये है महोदय इनका चाल चरित्र और चेहरा जो आज कुर्सी पर विराजमान है। महोदय बोलते कुछ और थे, चाय पीते थे उनके साथ, आज उनको जहर पिलाने का काम किया। पारा शिक्षकों को कैडर बना करके वोट लिया, आज पारा शिक्षक का सहायक अध्यापक केवल नाम बदल दिया। महोदय कुछ नहीं दिया, सहायक पुलिस को लाठी से पीटने का काम किया, मनरेगा कर्मी को बर्बाद करने का काम किया। पूरा अनुबंध कर्मी का जीवन हेमंत सोरेन जी ने पूरे उनके जीवन के साथ धोखा देने का काम किया, उनको पूरे जीवन का बर्बाद करने का काम किया। महोदय अभी बहुत बड़ी बात लोग सुना रहे थे, केवल एक घटना इस सरकार के अनुपूरक के लिए काफी है। यह घटना है कोडरमा के सतगावा का, कोडरमा जिला का सतगावा हॉस्पिटल का। एक महिला को एक दिन में 12 बार प्रसव कराया गया, और हद तो तब हो गया मुख्यमंत्री जी कि महिला को कराते कराते वहां के अस्पताल ने पुरुष को भी प्रसव करा दिया। यह आपकी सरकार का चरित्र है, यह आपके सरकार का चरित्र है। काफी है यह उजागर करने के लिए कि आपके सरकार में क्या चल रहा है और आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। यह पुर्जा काफी है आपके सरकार का, पुर्जा हिलाने के लिए यह पुर्जा काफी है आपके सरकार के, पुर्जा हिलाने के लिए कि आपने कैसा व्यवस्था बनाया है 5 साल में। महोदय अभी बता रहे थे हमारे नेता बालू को सोना बना दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बालू को सोना कोई बनाना सीखे और बालू पैर करके कोई उसका तेल निकालना सीखे और उस तेल को बाल में लगा करके कोई बाल निकालना सीखे तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से किसी को सीखे। गायब हो गया बालू के। आज बालू को क्या कर दिया महोदय, झारखंड से गायब हो गया। झारखंड की बालू, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की नदी, झारखंड का नाला, झारखंड के लोगों का हक था। आज वहां का बालू नोएडा और गाजियाबाद जा रहा है और हमारा मूलवासी और आदिवासी एक मुट्ठा बालू लेने जा रहा है तो पुलिस आपका टोपी पहन करके बैठा हुआ है बालू के ऊपर। ऐसा लग रहा है पुलिस का नौकरी चोर डकैत बदमाश को पकड़ने के लिए नहीं, बालू वाला ट्रैक्टर पकड़ने के लिए लगा हुआ है। महोदय ऐसा आपके सरकार में बालू को करने का काम किया, 5 साल में एक मुट्ठा बालू, हजारों गरीब का ट्रैक्टर थाना में, हजारों गरीब जेल के सलाखों के पीछे। यह है आपकी उपलब्धि, यह है आपका विकास। जाकर के देखिए अपने विकास को, सारे आदिवासी और मूलवासी का ट्रैक्टर था। महोदय हाईवा से बड़ा लोग ले गया लेकिन ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया। महोदय ये काफी है बताने के लिए कि ये सरकार का क्या सोच है, क्या समझ है, क्या विकास की परिधि है और कैसा यह सरकार चला रहा है। महोदय भानु जी पौधे मत खड़ा कीजिए, उनको विवाद होगा झूठों में। अच्छा एक मिनट बोलिए, गोतिया है, को सहयोग कर रहा है, आपको सहयोग कर रहा है, वो हमारे गोतिया है आपको पता है। आपको सहयोग कर रहा है। देख महोदय 5 साल पिछला 14 से 19 तक इन लोगों ने पूरा नोएडा, पूरा उत्तर प्रदेश, कहां कहां हम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं, पूरा बालू बेचने का काम किया। इस सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम किया तो इन लोगों का पेट में दर्द होना स्वाभाविक, क्योंकि इन लोगों का मुख्य जो बिजनेस था ये जनता के प्रति कहीं से जवाब दे नहीं रहे और ये सिर्फ यही दो नंबरी काम करते रहे और बालू बेचते बेचवाते रहे और आज इस पर रोक लग गई है तो ये लोग को इन लोगों को पेट दर्द में होना स्वाभाविक है। एक बात और अध्यक्ष महोदय, जो ये कहते हैं कि नौकरी का जो ये रोना रो रहे हैं कि नौकरी, ये जनता राज्य के जितने हमारे नौजवान युवा बेरोजगार हैं
ये जानते हैं कि किसकी साजिश का शिकार हुए हैं। आज ये गिना रहे हैं कि बाहर के लोगों को नियुक्ति मिल गई, उसके अगर जवाबदेह हैं, उसके लिए पूरी तरह से दोषी है तो विपक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाई थी आदिवासियों मूलवासियों को यहाँ नियोजित करने के लिए, अपने नेता को कोर्ट भेज के और वहां से खारिज करवाने का काम किया, 60-40 का भ्रम फैला के और यहाँ नियोजन नीति रुकवाने का काम, नियोजन रुकवाने का काम किया, फिर भी सरकार धड़ल्ले से नियुक्तियां दे रही है और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को नियुक्तियां मिल रही है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंतिम पंक्ति के लोगों को लच करके सरकार योजनाएं लागू कर रही है और इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप भी आपका एक बार हो गया है, एक बार हो गया आपका सीपी बाबू, चलिए चलिए एक बार हो गया उनका। माननीय अध्यक्ष महोदय बोलिए, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यक्ष प्रश्न है कि जब जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आती है, झारखंड से बालू गायब हो जाती है, ये यक्ष प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। एक लाइन का उत्तर खोजना आपका भी दायित्व है। चलिए भानु जी, महोदय भानु जी को नहीं बोलने दीजिएगा, बेचारा बैकुल है, स्पीड पकड़ा था। अच्छा बोलिए बोलिए, आप आपके चलते ढलान पर हो जाता है। सही बात सही बात। अध्यक्ष महोदय आपका टेम्पो नीचे आ जा रहा है। अच्छा भाषण दे रहे हैं, भाषण अच्छा दे रहे हैं, बड़े जोश में दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि भाई यह सरकार पुर्जा पुर्जा, यह पुर्जा काफी है। जरा इनसे पूछिए, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग का पुर्जा पुर्जा इन्होंने अलग कर दिया। क्या पुर्जा अलग करने में जेल गए थे कि पुर्जा जोड़ने में जेल गए थे? पुर्जा पुर्जा को बेच करके जेल चले गए, उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था, जरा उसको भी बताइए। चलिए महोदय, मैं व्यक्तिगत आरोप, इधर उधर का बात नहीं, नहीं मैं व्यक्तिगत आरोप आज तक हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी नहीं लगाया हूँ मेरा ये नहीं है। लेकिन महोदय आपका शालीन विचार है। महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महोदय चलिए एक बात कहना चाहता हूँ। 1951 में महोदय झारखंड में, नहीं सुनिए थोड़ा सा गंभीर बात सुनिए, चलिए चलिए भानु जी चलिए, आप लोगों के लिए यह सदन और यह सरकार अंतिम है, सुन लीजिए अंतिम बार आप लोग। महोदय मैं एक बार केवल पूछना चाहता हूँ। महोदय 1951 के सेंसेक्स में, जनगणना में, झारखंड में आदिवासियों की संख्या 46%, बिहार कहिए, झारखंड कहिए, बंगाल कहिए, हम आदिवासी की संख्या 40% के आसपास थी। 2011 में महोदय सेंसेक्स हुआ है और हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, आज आदिवासी की संख्या घट करके लगभग 26%, तो 11 के हिसाब से अभी 22-23% तक आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी के पुरोधा हैं, विश्वम गुरु के पुत्र हैं, जिन्होंने आदिवासियों के संरक्षण के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा। क्या मैं जान सकता हूं कि आदिवासी कहां चलते जा रहे हैं, क्या हो रहा है झारखंड के आदिवासियों के साथ, क्यों हमारे आदिवासियों की संख्या घट रही है, लगातार घट रही है? इससे यह बात पता चलता है, और खास करके संथाल में महोदय, एक संथाल के 5 जिलों को उठा करके देख लीजिए। अगर आप राजनीति करते हैं, इंसानियत आपके अंदर है, कलेजा पर हाथ रख करके आप अपने कलेजा से पूछिए कि वहां आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या उसमें बांग्लादेशियों का हाथ है या नहीं है? यह केवल अपने आप से आप पूछ लीजिए, और जब आप अपने आप से पूछिएगा तो मुझे लगता है आपका ईश्वर, आपका अल्लाह आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि आदिवासी की संख्या घट रही है, वह बांग्लादेशियों के चलते घट रही है और इरफान अंसारी जैसे संरक्षण के चलते घट रही है महोदय, जिसके चलते लगातार बांग्लादेशी हमारे यहाँ हमारी बेटी हमारी नाम कर दीजिए हमारी बाटी के ऊपर हमला कर रहे हैं महोदय। इरफान अंसारी का नाम स्पंज कर दीजिए। चलिए चलिए बोलिए महोदय,
लगातार हमारी जनसंख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आने वाला समय में आप देखते रहिएगा मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री रहे कोई मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से आदिवासी घटते जा रहे हैं, आने वाला समय में आदिवासी खोजना पड़ेगा आपको, खोजना पड़ेगा आपको। अगर नहीं चाहते झारखंड के, एक सेकंड भानु जी, नहीं चाहते तो खोजना पड़ेगा आपको। अध्यक्ष महोदय, भानु जी ने जिस तरह से आदिवासियों की घटती हुई जनसंख्या के बारे में बोला, इसके लिए जिम्मेवार यही लोग है, इन्हीं के संरक्षण में झारखंड में सबसे ज्यादा आए हैं। आप देख लीजिए आपके मतदाता कौन है, रांची देख लीजिए, आप ही के लोग आप ही के संरक्षण में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का जनसंख्या घटा नहीं है, बाहर से लोगों को ला कर यहाँ बसा कर घटाया गया, और लाने वाले कौन है, यही भानु जी जैसे लोग है, इन्हीं के साइड के लोग ने लाया है। अध्यक्ष महोदय, तब बांग्लादेशी की बात आती है तो इरफान जी खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ ना, कई बार खड़े हो गए। नहीं नहीं, अभी 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 हमारे फादर खड़े हो गए, अभी हमारे फादर खड़े हो गए। महोदय क्या है, महोदय क्या, एक आदिवासी मेरा भी मूल आदिवासी का है, मैं डीएनए देने के लिए तैयार हूँ। मूल आदिवासी का है, मूलवासी का है, मेरा डीएनए लेकर के चेक कर लीजिए। आज आदिवासी की घटती हुई संख्या सबके लिए चिंता का विषय है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। और जब यह विषय हम बोलते हैं तो क्यों आप लोगों को तिरमिरी होता है, क्यों तकलीफ होती है आप लोगों को? क्या मेरा हक नहीं है आदिवासी पर बोलने का? क्या मेरा हक नहीं है मूलवासी पर बोलने का? केवल आपने उसका पेटेंट करा लिया है, क्या आपने केवल उसका ठीका ले लिया है? मैं भी बोलूंगा, मूलवासी के नाते बोलूंगा, आदिवासी के नाते बोलूंगा। आज झारखंड में आदिवासी की संख्या घट रही है, वो आपके सरकार के चलते, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके संरक्षक के चलते घट रही है, यही बात हकीकत है महोदय। और इस बात अगर ऐसी सरकार चलती रही तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, और आने वाले समय में सारे आदिवासी या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो समाप्त हो जाएंगे। महोदय महोदय, अभी प्रदीप यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, महोदय मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यादव समाज से आते हैं, इनके नेता वहां जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं महोदय। हमारे यहां झारखंड में यादवों की संख्या 8% 9%, मुसलमानों की संख्या 11 से 12%। आप कैबिनेट को देख लीजिए महोदय, समझ में आ जाएगा। 11% मुसलमान है और 2 मंत्री है, और 8% यादव हैं, इनको झुंझुना पकड़ा के बैठा दिया गया। यही चमचाई करने में आपके साथ पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है झारखंड में। चलिए चलिए, आज पिछड़ों की संख्या कैबिनेट में क्या है महोदय? और 3 मिनट, 2 मंत्री हैं, 3 मिनट बस बस खत्म करें, खत्म करें। पिछड़ों की संख्या क्या है कैबिनेट में महोदय? पिछड़ों की 2 संख्या है, पिछड़ों की आबादी 52%, और हेमंत सोरेन के सरकार में 2 मंत्री का लॉलीपॉप दिया, और वोट का तुष्टिकरण मुस्लिम का तुष्टिकरण देख लीजिए, 11% वाले लोगों को 2 मंत्रालय दिया, यह हेमंत सरकार का मुस्लिम तुष्टिकरण है महोदय, और यह बताने के लिए काफी है महोदय। महोदय 1932 बार बार आप लोग बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे कौन नेता, आप खड़े हुए थे नौकरी के लिए, आप किस नियोजन पर नौकरी दे रहे हैं, किस नियोजन नीति के तहत, केवल बता दीजिए। मुझे लगता है 2016 का भी दे रहे हैं कि 2024 के नियोजन नीति से दे रहे हैं, आप तय करना क्या कर रहे हैं आप झारखंड के लोगों के साथ, क्या करिएगा यहां युवाओं के साथ? हम जब खड़ा होते हैं आप मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर तो बोलते हैं झारखंड के युवा अंडा बेचो, झारखंड के युवा मुर्गी बेचो, झारखंड के युवा सुअर बेचो। झारखंड का युवा न अंडा बेचेगा, न मुर्गी बेचेगा, न सुअर बेचेगा, बल्कि आने वाला समय में आपको कुर्सी से उतार करके वहां भाजपा को बैठाएगा, और हम लोगों की सरकार युवा के लिए काम करेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी भाभी हमारी बोल रही थी, भाभी बोल रही थी कि हमारे मिथिलेश भैया बोल रहे थे, चलिए बस 1 मिनट में बोल रहे, बस अंतिम पन्ना मैं बंद करने वाला हूँ। मैं महोदय समय का बहुत महत्व समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोल रहे थे भाजपा डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगा। किधर चरण है आप लोगों का, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों के चरण को, भाभी आपके चरण को, भैया आपके चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये है सर्टिफिकेट महोदय, कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है, मैं पढ़ करके बताता हूँ।
चंपई सोरेन जी अपना विधानसभा 20,285 वोट से हार गए, मिथिलेश ठाकुर जी अपना विधानसभा 57,662 वोट से हार गए, बसंत सोरेन जी अपना विधानसभा 10,433 वोट से हार गए, बादल पत्रलेख जी अपना विधानसभा 44,434 वोट से हार गए, बन्ना गुप्ता जी अपना विधानसभा 55,698 वोट से हार गए, सत्यानंद भोक्ता अपना विधानसभा 67,845 वोट से हार गए और बेबी देवी 38,348 वोट से हार गई महोदय। और मुझे महोदय जहां तक जानकारी है विधानसभा अध्यक्ष भी अपना विधानसभा हार गए महोदय। तो यह बताता है कि आने वाला समय क्या है, आने वाला समय क्या होने वाला है। आने वाला समय में झारखंड की जनता ने तय कर लिया है, भाजपा आ रही है और आप जा रहे हैं, भाजपा आ रही है आप जा रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में महोदय मैं पश्मीना का, महोदय एक मिनट, आधा मिनट, पश्मीना का साल कश्मीर से मंगवाया हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फेयरवेल देने के लिए, उनके कंधे पर वह चढ़ाई करूंगा, क्योंकि यह अंतिम सत्र है, जीवन में आप नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपने मूलवासी से छल किया है, आपने आदिवासी से छल किया है, आपने किसान से छल किया है। एक मिनट शिल्पी रात्रि शुरू। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मॉनसून सत्र 2024 में जो सरकार के द्वारा पारित अनुपूरक बजट है उसके पक्ष में बोलने के लिए आपने मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, क्या बोलना चाहेंगे?